लोग यीशु को जान चुके हैं पर अभी तक पहचाना नहीं है कि परमेश्वर कैसे काम करता है। हालेलुया। क्योंकि अगर वो पहचान लेते तो वो बीमारी में ना मरते मसीह लोग, वो डिप्रेशन में ना मरते, वो कैंसर में ना मरते, वो एक्सीडेंट में ना मरते, वो दुश्मनों के द्वारा ना मरते। अगर वो जान के जाते, पहचान लेते उस परमेश्वर को। तुम जान तो चुके हो पर तुझे पहचानना बाकी। हालेलुया। अगर हम रोमियो की किताब एक वचन को पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर को जब तुम पहचानते हो, कैसे पहचान सकते हो तुम? परमेश्वर ने तेरे लिए क्या तैयार किया कि तुम परमेश्वर को आज पहचान जाओ? बाइबल में क्या रोमियो 10:13, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। तो परमेश्वर ने क्या किया? लिखा जो कोई परमेश्वर का नाम लेगा, प्रभु यीशु का नाम लेगा, वो उद्धार पाएगा, वो छुटकारा पाएगा। आज तुम यीशु के नाम से मांग के देखो, प्रार्थना करके देखो, देखना वो बड़े बड़े काम तेरे जीवन में अभी करने वाला यीशु नाम। हालेलुया। अब लोगों ने जाना ही नहीं है परमेश्वर को, तो नाम कैसे लेंगे यीशु का? उनको तो पता ही नहीं था। 2010 में मुझे तो पता ही नहीं था कि यीशु मसीह प्रभु और परमेश्वर है, जिन्होंने मौत को जीता, जो मुर्दों में से जी उठे, जो मार्ग सत्य और जीवन है, जो अनंत जीवन देते हैं, जो हमसे प्रेम करते हैं, जो नहीं चाहते हम बीमारियों में रहें, जो चंगा करने वाले परमेश्वर है, जो क्षमा करने वाले परमेश्वर है। तो जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। पर नाम कैसे ले जब तक उन्होंने जाना ही नहीं है? तो जानने के लिए आगे क्या लिखा है 14 आयत में, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें? जब जिस पर आपने विश्वास ही नहीं किया आप उसका नाम कैसे लेंगे? आप क्यों लेंगे यीशु का नाम? क्योंकि अभी तक आपने यीशु को जाना ही नहीं था, पर आज आपने जाना पोस्टर के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, किसी रिश्तेदार के द्वारा, दोस्त के द्वारा आपको इन्वाइट किया गया और आज आप जानने जा रहे हैं। और जब आप इस बात को जान गए और आपने विश्वास किया उस बात पर, और आप जो कुछ फिर यीशु के नाम में मांगोगे वो आपके जीवन में होगा। हालेलुया। फिर जिन्होंने उसका विश्वास ही नहीं किया उसका नाम कैसे लें? और जिसकी उन्होंने सुनी ही नहीं है उस पर क्यों विश्वास करें? अगर आपने यीशु के बारे में सुना ही नहीं अभी तक तो आप कैसे विश्वास कर सकते हैं? अगर वो यीशु पर विश्वास नहीं करेगा तो चंगा कैसे होगा? क्योंकि परमेश्वर हमारी जरूरत के हिसाब से नहीं, कि किसी को बच्चे की जरूरत है, किसी को वीजे की जरूरत है, किसी को गवर्नमेंट जॉब की जरूरत है, किसी को चंगाई की जरूरत है, किसी को छुटकारे की जरूरत है। परमेश्वर हमारी जरूरत के हिसाब से काम नहीं करते। आपको समझना है, ये पहचानना है। परमेश्वर हमारे विश्वास के अनुसार काम करते हैं। विश्वास के अनुसार काम करना क्या है? मतलब अगर तेरा विश्वास है परमेश्वर कोई नहीं है, परमेश्वर नहीं है, तो कल तुझे कैंसर होगा तो कैंसर में ही मर जाएगा। पर अगर तू मानता है परमेश्वर है और वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, तो वो कैंसर गवाही के द्वारा तुम लेके टेस्टमनी ले खड़े होंगे चर्च में। हालेलुया। तुम मरोगे नहीं उस कैंसर से। दुनिया में दुख क्यों है? क्योंकि लोग सच्चे परमेश्वर को जानते नहीं है, और जानते नहीं है तो वो कैसे उससे प्रार्थना करेंगे? लोगों को लगता है परमेश्वर नहीं है, तो प्रभु कहते हैं अगर तू मानता है परमेश्वर कोई नहीं है, ठीक है तेरे लिए नहीं हूं, मर फिर दुखों में, मर बीमारियों में, मर संकटों में, ले फिर दुखों का सामना कर, क्योंकि तुम नहीं मानते परमेश्वर है। जो मानता है वो निरोग जीवन जी सकता है, वो बिना अशांति के जी सकता है, वो ब्लेस लाइफ जी सकता है, वो सुपर डुपर ब्लेस रह सकता है, वो रोज आशीष जीवन जी सकता है, वो रोज आगे बढ़ सकता है, वो कभी अपने आप को डाउन नहीं, हमेशा अब आगे बढ़ता देखेगा, क्योंकि जो उसे जान चुका है। हालेलुया। कई लोग बीमारियों में मर गए, क्यों? उनको लगता है ये बीमारी अब ठीक नहीं होगी, अब मैं मर जाऊंगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे चर्च में लोग कैसे ठीक होते हैं। जब वो चर्च में आते हैं, जिनको लगता है कोई परमेश्वर नहीं है, सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, डॉक्टर भी परमेश्वर की ओर से, पर जब डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, वो किसके आगे हाथ खड़े करते हैं? साढ़े पास दौड़ काम नहीं है, हूं तो ऊपर वाला ही घर हुआ, समझ रहे ना? पर ऊपर वाले को तूने अभी तक जाना ही नहीं है कि वो कैसा है। तुम उसकी वैसे भक्ति कर रहे हो जैसा वो नहीं है। तुझे लगता है मैं उसकी भक्ति कर रहा हूँ, पर असल में तुम उसे क्रोध दिला रहे हो अपनी भक्ति से। जैसी भक्ति तुम कर रहे हो, तुम उसे क्रोध दिला रहे हो, तुम उसे दुखी कर रहे हो, तुम उसकी बेइज्जती कर रहे हो। मान लो मैं कहूं ये लेक्चर स्टैंड मेरा परमेश्वर है, जब मेरे आके झुक के कहें ओ अमृत बाबा जी, ओ बाबा जी ताड़ी कृपा, ताड़ी कृपा, जो कुछ है ताड़ी कृपा ना, मैं कहूं परे हो जो, मेरी कृपा नहीं परमेश्वर की कृपा, समझ रहे ना? हम कुछ नहीं है, पर जब तुम बंदों को परमेश्वर मानते हो, चीजों को परमेश्वर मानते हो, परखते नहीं हो, जादू टोने वालों के पास जा रहे हो, किसी का बुरा करके अपना भला करके किसी को वो रोक दे रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, तुझे तेरे अंदर परमेश्वर का डर है नहीं, तू नहीं जानते हो तेरे हर भले बुरे काम का परमेश्वर न्याय करेगा। तुमने इतने बुरे काम किए, आज तेरी लाइफ में इसी कारण प्रॉब्लम है, परेशानियां हैं, तुम कहते परमेश्वर नहीं हो, तुम भूल के परमेश्वर है। और इसीलिए
वचन को जानना जरूरी है। जब एक बंदा चर्च में आता है उसे लगता है हूं मैं ठीक नहीं हो सकता, हूं तो मेरे सौलियां हैं, हूं तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, पर ऑपरेशन में 60,000 डॉक्टर ने बोले पर पैसा भी नहीं है, हूं तो मैं लगता है इस बीमारी से मर जाना, हूं मेरे बेबी नहीं हो सकता, हूं तो ट्यूब निकल गई है, हूं तो ए हो चुका है, हूं तो रसौली मोरे आ चुकी है, हूं तो ये हो चुका है, अब मेरा बच्चा नशा नहीं छोड़ सकता, अब मेरा हस्बैंड नहीं सुधर सकता, अब मैं कभी पास नहीं हो सकता, अब मेरे कभी बैंड नहीं आएंगे, अब मैं कभी सफल नहीं हो सकता, उनको ये लगता है। पर जब वो चर्च में आते हैं वचन को सुनते हैं उन्हें लगता था पहले नहीं हो सकता नहीं हो सकता, जब वो वचन को सुनते हैं उन्हें लगता है हाँ मैं चंगा हो सकता हूँ, हाँ मैं ब्लेस हो सकता हूँ, हाँ मैं आशीषित हो सकता हूँ, हाँ यहाँ मेरी लाइफ बदल सकती है। और जब उनके अंदर ये चीज पैदा हो जाती है कि आज तुझ में पैदा हो रही है, जब ये चीज तुझ में पैदा हो गई हाँ परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, यीशु मसीह मुझे आशीष किए बिना चंगा किए बिना छोड़ेंगे नहीं, तो तेरे लिए सब कुछ हो सकता है चाहे कुछ भी क्यों नहीं।